Hello guys, welcome to my YouTube channel Darjeeling Suicider. Welcome to my channel. So today we'll be heading towards Shillong, beautiful Shillong. So Shillong का ब्लॉग लेके आऊँगा आपको मैं. So माता का दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गया और आज मकर संक्रांति के दिन भी बहुत अच्छा तरीके से दर्शन हो गया. दीदी कस्तो भयो नि आजको दर्शन? दामी. अब हामी कहाँ गयौँ? अब ओके. सो गाइस फिर हम शिलोंग जाएंगे. और एक्चुअली क्या है कि हम गुवाहाटी पहले भी आ चुके हैं. दिस माय फोर्थ टाइम. सो इस टाइम हम नॉर्थ ईस्ट के लिए वही शिलोंग के लिए आए थे घूमने के लिए. सो अभी भाई का टूर बहुत लंबा टूर है. यहाँ से और जगह जाना है जो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा. और अभी मेरे साथ है नंद जी. नंद जी की गाड़ी पे है अभी हम स्विफ्ट लेके जा रहे हैं, स्विफ्ट डिजायर पे. और आज नंद जी हमको ड्रॉप करेंगे शिलोंग तक. फूल वगैरह यहाँ से भनिदिनुहोस् त उमानन्द. सो उमानन्द क्यों जा रहे? हिंदी में आपको मैं बताने जा रहा हूँ. अभी हम जा रहे हैं उमानंद दर्शन के लिए. गए के लिए दौड़ना शुरू हो गया. बोट से उतरते ही देख भी उमानंद दर्शन के लिए दौड़. आलू का टप्पे भन्दैछु भैया. जय श्री कृष्ण. ब्रह्मपुत्र नदी मेरे पीछे. तो अभी हम जा रहे उमानंद की ओर. हम उमानंद पहुंचने वाले हैं ना? पहुंचने वाले. हाँ. सो पहले भी आए थे उमानंद. और अभी हम गुवाहाटी सिटी पे कार में है गाइस, एंजॉय कर रहे हैं. और दीदी लोग फोटो देख रहे. दीदी लोग तो देखिए ब्यूटीफुल वेदर. उतना गर्मी भी नहीं है, उतना ठंड भी नहीं है और बहुत ही अच्छा. जी भाई हमारे साथ है नंद जी. अभी कितना दूर है उमानंद? बस पहुंच गई है 5 मिनट. मतलब 5 मिनट में पहुंचने वाले उमानंद. वहाँ से नाव से जाना पड़ेगा आपका. वहाँ से बोटिंग का भी वीडियो आएगा. सो गाइस अभी हम पहुंच गए उमानंद. और उमानंद नीचे जाएंगे, गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे. तो जा रहे अभी नीचे. गाइस आपका भाई पहुंच चुका है उमानंद. और उमानंद आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ. देखिए गाइस वहाँ पे बोट खड़ा है, बहुत सारा वहाँ बोट. तो उसमें जाएंगे, अच्छा कि घूम के आएंगे, दर्शन करके आएंगे. उमानंद दर्शन के लिए जा रहे. और मेरे पीछे पीछे मेरी माइली दीदी. हाय. हाय मेरा दीदी. और मेरे दो दीदी आगे आगे जा रही है. हम उमानन्द क्यों जा रहे हैं? नेपालीमा भए पनि भनिदिनुस् त उमानन्द. उमानन्द चाहिँ हामीलाई पनि थाहा थिएन. पहिलोपल्ट गुवाहाटीमा कामाख्या मन्दिर दर्शन गरेर फर्किँदै गर्दा यहाँ आएको थियौँ होइन. र यहाँ आउँदा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ कि जसले पनि कामाख्या मन्दिरको दर्शन गर्नुहुन्छ यहाँ उमानन्दको दर्शन गरे भने चाहिँ माथिको फल पनि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यहाँको मान्यता रहेछ. र हामी जति पनि जहिले पनि आउँछौँ जब कामाख्या मन्दिर दर्शन गरेर चाहिँ यहाँ आएर उमानन्द माताको दर्शन गर्छौँ. र यो दर्शन गर्नु जानुलाई चाहिँ हामी स्टिमरमा चढेर जानु आँटेको छौँ. बोट पनि पाउनु सक्नुहुन्छ हजुर. यहाँनिर 200 रुपियाँ गोटा बोट छ. तर यदि यहाँ पे 200 रुपये से लेके 20 रुपया का फेयर भी मिलता है. और 20 रुपया सस्ता वाला फेयर में आपको वहाँ पे थोड़ा लाइन लग के जाना होगा. सो आएगा आराम से ले जाएगा, दर्शन करवा के फिर वो रिटर्न ले लाएगा फिर. सो उमानंद क्यों जा रहे हिंदी में आपको मैं बताने जा रहा हूँ. ऊपर कामाख्या दर्शन करने के बाद उमानंद इज मस्ट. सो उमानंद करने के बाद आपका जो विजिट है वो सफल हो जाएगा एक्चुअली. सो आइएगा उमानंद भी. चलिए यहाँ से हम टिकट ले लिए. और टिकट लेने के बाद सिर्फ टिकट का 20 रुपया. और आइए 20 रुपये में. और यहाँ से एंट्री करके हमको जाना है उमानंद दर्शन के लिए. सो अभी हम जा रहे हैं उमानंद दर्शन के लिए. सो ब्यूटीफुल उमानंद दर्शन के लिए हम पड़े गाइस. ये देखे इतना बड़ा बोट, बहुत बड़ा बोट.
सो अंदर बैठ के भी जा सकते हैं आप। सो अंदर बैठने वाला जगह भी है, सो आप बैठ के जा सकते हैं, लेकिन मैं तो खड़ा होके जाऊंगा। ये यहाँ पे बैठ के जगह है, विजन उमानंद के लिए जा रहे हैं दर्शन के लिए। सो लाइफ सेविंग जैकेट है यहाँ पे गाइस, सभी के लिए रखा हुआ। और ऐसा है, दिखाते हैं आप, चले गाइस बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। उमानंद निकलने वाले हैं गाइस यहाँ से। सो गाइस अभी हमें उमानंद के लिए सभी लोग बैठे हुए यहाँ पे खड़े हुए एक्चुअली, और 10:30 को निकल जाएगा एयरपोर्ट अभी, और ये आएगा 11:20 को, और दूसरा आएगा 12 बजे, और ऑलमोस्ट रेडी यहाँ पे हॉर्न देता हुआ सायरन। सो अभी जाएंगे उमानंद के लिए, और उमानंद का व्यू आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखिए ब्यूटीफुल। तो गाइस स्टार्ट होगा आज का उमानंद का सफर। सफर में जो मजा है, क्या करें, मजा कर रहे गाइस। सो एंजॉयिंग उमानंद टुवर्ड्स उमानंद। मजा आउँछ दिदी, हेर मजा आउँछ दिदी, अहिले हामी हो ब्रह्मपुत्रमा हिँड्दैछौँ, आज माघे संक्रान्ति दिन, बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है गाइस। सो गाइस उमानंद पहुंचने वाले अभी हम, और बहुत ही मजा आया ट्रैवलिंग करते हुए। और सामने हम उमानंद के गेट पहुंचने वाले हैं, देखिए ब्यूटीफुल उमानंद। ये छोटा टापू लेकिन कामाख्या मंदिर आएंगे तो उमानंद आना ही है आपको दर्शन के लिए। गाइस अभी क्या हुआ है, यहाँ पे रोप वे शुरू हुआ है। तो गाइस पहुंचने वाले मंदिर, बाबू
सभी दर्शन के लिए दौड़ना शुरू हो गया बोट से उतरते ही। देखिए सभी लोग को जल्दी जल्दी दर्शन करना है ऊपर जाके, इसलिए सभी बोल सकता था सभी सभी को दर्शन करना है। देखिए दौड़ना शुरू हो गया ऊपर में। सो गाइस देखिए दौड़ना शुरू हो गया उमानंद दर्शन के लिए। वाह रे दौड़ भाग लग गया दौड़ भाग। मैं भी इस दौड़ में शामिल हो गया। मैराथन तो नहीं दौड़ता हूँ फिर भी उमानंद दर्शन के लिए दौड़ रहा हूँ। देखिए आप सीढ़ी चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर। चढ़ाई करते वक्त आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज खाने को मिल जाएगा। चढ़ाई पे हेल्प करते हुए आपको खाने का चीज, नारियल पानी सभी का फेवरेट। और यहाँ पे दो तीन ग्रुप दर्शन करके लौटते हुए हम जाते हुए आलू का टपरी भन्दैछु भैया वेल है। सो हम जाते हुए तीन दीदी तो नीचे रह गए मैली दी तो। देखिए कितना भीड़ हो गया उमानंद के लिए। देखिए गए सब लोग आते हो ऊपर। सो गाइस श्रेणी ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं अभी और उमानंद जा रहे हैं उमानंद दर्शन। गाइस उमानंद द्वार चलिए। और उमानंद मंदिर पहुंच गए। गाइस अभी हमें उमानंद पर, अभी गाइस हम उमानंद पे है और लाइन देखिए कितना लंबा है उमानंद पे मंदिर पे। अंदर वीडियो नहीं देता है इसीलिए बाहर से वीडियो कर रहा हूँ। जय उमानंद भगवान की जय। जय भोले बाबा जय शिव शंभ जय शिव शंभ हर हर महादेव हर हर महादेव की जय की जय की जय। दर्शन की जय जय भगवान। तो गाइज उमानंद भगवान का दर्शन भी हो गए। अब हम जा रहे हैं अपना बोट पे और बोट पे जाकर फिर गाड़ी चढ़ना है फिर शिलोंग के लिए जाएंगे आपका भाई। चलिए चलते हैं। सो गाइज उमानंद के विषय में मेरा दीदी दो शब्द रख रहे हैं। चलिए पूछते हैं दीदी को। दीदी उमानंद के विषय में भन्नुहोस् त सानो। हिजो जुन चाहिँ भाइले भनेको थियो कामाख्या माताको अङ्गगिरेर चाहिँ त्यहाँ कामाख्या माताको धेरै मन्दिर दर्शन गर्छ होइन। र त्यो अङ्गगिरेपछि जब शिवजी अन्तर्ध्यान भयो ध्यानमा बस्नुभयो होइन। र ध्यानमा बसेपछि जब गौरीले कुमार स्वरूपको जन्म लिएर आउनुभयो त्यहाँदेखि चाहिँ शिव पार्वतीको यहाँ मिलन भएको हुनाले चाहिँ यहाँ मन्दिरको नाम चाहिँ उमानन्द राखिएको छ। थ्याङ्क यू जय भोलेनाथ। सो गाइज वेटिङ आवर बोट। उमानंद दर्शन हो गया। सो मच। सो आप रोपवे का भी आनंद लेके रोपवे में भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो अभी हमें वेटिंग फॉर बोट। सो चलिए चलते हैं अंदर बोट के अंदर ही वेट करते हैं और यहाँ पे आलू चाट वगैरह सब मिल जाएगा। मैं सो गाइस हमारा बोट आ गया। देखिए बोट कितना भीड़ है। सो गाइस दिस इज उमानंद। जाने के लिए आपको आना पड़ेगा ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ से आपको उमानंद दूसरा छोर तक पहुँचा देगा। सो उमानंद के लिए यहाँ से मिलेगा आपको आइसक्रीम खाने वाले। सो गाइस हैविंग दिस दहीपुरी भैया स्पेशल और भैया को मिलेगा आप कहाँ पे? यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और स्पेशल दही पूरी खा रहे गाइस ये वाला देखिए वाओ टेस्टी टेस्टी। एंजॉयिंग दही पुटका गाइस स्पेशल वाला। पर लिए अभी जो खाना सुन
एक पैकेट लिया था हैप्पी मकर संक्रांति, इसीलिए हम भी लिया एक तिल मिठाई और सभी हम खा रहे हैं। नंदन भैया हम सभी इंजॉय कर रहे हैं तिल मिठाई। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट करते जाइएगा, मैं ब्लॉग लाता हूँ आप लोग के लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लॉग। तब तक मैं तिल मिठाई इंजॉय करता हूँ। ओके सो गाइस, टुवर्ड्स शिलोंग, अभी हम जा रहे हैं शिलोंग की ओर। ये जगह का नाम क्या है? नौमाइल पहुंच गए गाइस। सो टुवर्ड्स शिलोंग, अभी हमें गुवाहाटी का नौमाइल ना, अभी तो गुवाहाटी में ही हम ना। सो गाइस बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग बात पता चल गया अभी नंद जी के द्वारा। सो ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या है कि ये 9 माइल का रोड है और ये है असम, और जो उस साइड का रोड है वो है मेघालय। ब्यूटीफुल इजन्ट इट ना। देखिए यहाँ से असम और मेघालय का जो बॉर्डर बोलते हैं ना, बॉर्डर आगे है, बॉर्डर 15 किलोमीटर ऐसा चलना पड़ेगा। हाँ 15 किलोमीटर ऐसा ही चलना पड़ेगा, लेकिन मेघालय का पड़ता है उधर, इधर का असम पड़ता है। सो दिस इज इट गाइस। देखिए अगर कभी आप लोग घूमने आएंगे तो आप लोग को ये बात जरूर याद रखे चलेगा। ये सीधा जाएंगे काजीरंगा, हम यहाँ से अपना राइट टर्न लेके शिलोंग के लिए निकल पड़े। सो यहाँ पे है ब्यूटीफुल टेंपल, आपको दिखा देते हैं गाइस। देखिए श्री भद्रकालेश्वर मंदिर, ब्यूटीफुल, लेकिन ट्रक थोड़ा ढक दिया गाइस, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। गाइस जा रहे शिलोंग के लिए, एंजॉयिंग ब्यूटीफुल फैमिली ट्रिप विद माय फैमिली, बहुत ही मजा आ रहा है। ब्यूटीफुल नजारा। सो गाइस पहुंच गए हम शिलोंग।